दिल्ली के मंगोलपुरी में मामूली सी कहासुनी कब चाकूबाजी में बदल गई पता ही नहीं चला। करीब दर्जन भर से ज्यादा आए बदमाशों ने दो युवकों पर किया चाकुओं से हमला। पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर बेखौफ बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। दोनों को नजदीक के संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मंगोलपुरी में अपराध कुछ इस कदर बढ़ गया जिसकी कोई हद नहीं है। आए दिन हत्या, लूटपाट, चैन स्नैचिंग जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है, लेकिन वो अभी तक नाकाफी दिख रहा है। जिस प्रकार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और एक के बाद एक ऐसी आपराधिक गतिविधि कर मंगोलपुरी क्षेत्र का माहौल बिल्कुल खराब कर चुके हैं। मंगोलपुरी में लोग जरा जरा सी बात पर एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हो जाते हैं। खास तौर पर आज की युवा पीढ़ी में तो गुस्सा इस कदर सवार है कि लोगों में मामूली सी कहासुनी बदला लेने का खून सवार हो जाता है। ताजा मामला बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में सामने आया है, जहां मामूली सी कहासुनी में करीब दर्जन भर युवकों ने शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। घायल शख्स की पहचान सनी और भारत के रूप में हुई, जो मंगोलपुरी बाई ब्लॉक में मैकेनिक का काम करता था। हमले में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे नजदीक के संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी और वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल दोनों घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? संजय। क्या मामला हुआ? ये बाई ब्लॉक में झगड़ा हुआ, दानिश नाम का कोई लड़का बता रहे हैं जिनने मारा चाकू। किसको लगे चाकू? कौन है? बेटों को लगे, दोनों को। क्या हालत कैसी है वो लड़कों की? सर अभी तो ज्यादा मैं बता नहीं सकता, मैं तो एक चाकू देखा हूँ, बाकी बाहर का बता नहीं सकता कितना लगा। बड़े वाले कुछ पता लग रहा है? कितने लड़के होंगे बताते हैं? 10-15-20 लड़के हुए हैं। कोई इनकी कोई दुश्मनी थी या कोई रंजिश चल रही थी लड़कों? पता नहीं सर इसके बारे में ज्यादा मेरे को। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सनी और भारत रोजाना की तरह अपनी दुकान पर काम कर रहे थे। इस दौरान पड़ोस के ही एक दुकानदार से सुबह के समय उसकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। हालांकि आसपास के लोगों ने इस विवाद को उस समय शांत करा दिया, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने इस बात को दिल से के किसी कोने में रख लिया और उससे बदला लेने की ठान ली। शाम के समय अचानक दर्जन भर के करीब लोग आए और उस पर चाकू से हमला कर दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। आपको बता दें जहां ये घटना हुई है वहां से कुछ कदमों की दूरी पर ही पुलिस चौकी भी बनी हुई है, लेकिन बावजूद इसके बेखौफ बदमाशों ने चाकूबाजी की, इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार भी हो गए। अपना नाम बता। भारत। क्या हुआ था? ये बचाने गया था, भाई की लड़ाई मेरे लग गया। क्या नाम है भाई का? सन्नी। किसने मारा चक्कू? कौन लड़के थे? जितना पता है दानिश नाम का बंदा है, टेपिंग करता है। कोई झगड़ा हुआ था क्या दिन में? दिन में भाई का झगड़ा हो गया था। कितने लोग रहे होंगे दुकान में? तो वैसे 4-5 लोग थे, बाकी शाम को फील्डिंग बैठा दी उसने, पार्क में खड़े कर दिए 20-25 लोग। अभी कैसा है आपका भाई? देख क्या रहा मुझे पता नहीं पता। फिलहाल इस घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग डरे और सहमे हुए हैं। हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। लोगों को केवल यही डर सता रहा है कि कब किसके साथ न जाने कौन सी कैसी वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जाएं। बहरहाल मंगोलपुरी थाना पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई इस वारदात ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बदमाश के अंदर ना तो पुलिस का कोई खौफ है और ना ही कोई कानून का डर। लिहाजा पुलिस के लिए इन बदमाशों को पकड़ना किसी चुनौती से कम नहीं होगा।